जय हिंद दोस्तों आपका सक्सेस बिस्टा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज हम आज के इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक की सारी झीलें करवाने वाले हैं और हम सारी झीलें ट्रिक से याद कराएंगे जिससे कि आपके दिमाग में सीधी छप जाएंगी आपको इस वीडियो को दो से तीन बार देखना है और झीलों का खेल खत्म हो जाएगा आपको सारी की सारी झीलें आपके फिंगर पॉइंट पर होंगी तो इस वीडियो को पूरा देखिए हम पूरी सारी की सारी झीलें जो हैं चाहे वो जम्मू कश्मीर हो उत्तराखंड हो हिमाचल प्रदेश हो हरियाणा हो राजस्थान हो उत्तर प्रदेश हो सारी के सारे स्थानों सारे के सारे राज्यों की झीलें हम ट्रिक से करवाएंगे और जितने भी एग्जाम में पूछी जाती हैं सारी की सारी झीलें आपके इसी वीडियो से आएंगी इस वीडियो के बाहर एक भी झील नहीं जाने वाली है क्योंकि हमने सारे राज्यों की झीलों की अलग अलग ट्रिक बनाई हुई है जितनी भी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं तो इस वीडियो में तो इस वीडियो के अंदर हम सारी झीलें ट्रिक से करने वाले हैं तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहली पहला राज्य है हमारा जम्मू कश्मीर वर्तमान में ये यूनियन टेरिटरी है केंद्र शासित प्रदेश है तो इसकी ट्रिक जो है हमने ट्रिक बनाई है बूढ़ा शाम ना आवे बूढ़ा शाम ना आवे शाम कोई व्यक्ति है तो बोल रहा है बूढ़ा शाम ना आवे तो बस इस इस तरीके से आपको सारी की सारी झीलें इसी ट्रिक में है बूढ़ा शाम ना आवे बूसे हो गया बूलर झील भूसे हो गया भूलर झील ढा से हो गया डल झील सा से हो गया शेषनाग झील मासे हो गया मानसबल झील ना से हो गया नागिन झील आसे हो गया अनंतनाग झील और वे से हो गया वेरी नाग झील एक चीज याद याद रखनी है जो जितनी भी जम्मू कश्मीर की आपकी झीलें हैं उसमें नाग शब्द आप पकड़ के रखिए नाग ज्यादातर झीलें भारत की जो पिचानवे प्रतिशत जिले हैं जिनके पीछे या आगे नाग लगा हुआ है सब जिनके भी नाम में नाग है वो ज़्यादा की ज़्यादातर जिले जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती हैं जैसे नागिन अनंतनाग बैरीनाग सारी की सारी जिले हैं जिसमें जम्मू कश्मीर की ज्यादातर जिलों में नाग शब्द जुड़ा हुआ है तो ये भी एक क्लू हो सकता है जिससे आप पकड़ सकते हैं तो हमारी ट्रे है बूढ़ा शाम ना आवे एक बार फिर देख लेते हैं बूढ़ा शाम ना आवे अर्थात बुलर झील डल झील शेषनाग झील मानस बल झील नागिन झील अनंतनाग झील और वैरीनाग झील ये थी हमारी ट्रिक जम्मू कश्मीर की अब आइए अगले राज्य को देखते हैं तो दोस्तों आइए आप देखते हैं दूसरा राज्य है राजस्थान राजस्थान की झीलें हम बड़ी सुपर ट्रिक है इस ट्रिक से आप सारी राजस्थान की झीलें याद कर लेंगे आपको बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है हमारी ट्रिक है पीढ़ी को जरा फसा लूं पीढ़ी को जरा फसा लूं ये हमारी ट्रिक है सिंपल सी ट्रिक है पीढ़ी को जरा फसा लूं अब आइए देखते हैं झीलें पी से हो गया पिछौला झील डी से हो गया डीडवाना झील जा से हो गया जयसमंद झील रा से हो गया राजसमंद झील फा से हो गया फतेह सागर झील सा से हो गया सांभर झील लू से हो गया लुन करंसर झील बड़ी आसान ट्रिक है पीढ़ी को जरा फसा लू पीढ़ी को जरा फंसा लू पिछौला झील डीडवाना झील जयसमंद झील राजसमंद झील फतेह सागर झील सांभर झील लुन झील और भारत की जो लैंड लॉक्ड चारों तरफ से जमीन से लॉक्ड है सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो सांभर झील है जो राजस्थान में है तो हमारी ट्रिक है पीढ़ी को जरा फंसा लूँ और ये हैं राजस्थान की सारी की सारी झीलें तो आइए अब देखते हैं अगला राज्य अब आइए दोस्तों उत्तराखंड की झीलें देखते हैं वो भी ट्रिक के साथ आप ये ट्रिक है ऐसी ट्रिक है कि आप उत्तराखंड की झीलें आसानी से याद कर सकेंगे बिना इस ट्रिक के आप उत्तराखंड की झीलें याद नहीं कर सकेंगे आप कुछ समय के बाद भूल जाएंगे तो ये ट्रिक जो है हमने ऐसी ट्रिक बनाई है बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है और ये आपको इस ट्रिक की सहायता से आसानी से याद करके ले जाएंगे और लंबे समय तक याद रख सकेंगे इन झीलों को तो देखते हैं ट्रिक है सात देव ने नौ भीमकाय राक्षस को गोखुर से मारा एक बार फिर देखते हैं ट्रिक सात देव ने नौ भीमकाय राक्षस को गोखुर से मारा तो अब आइए झीलें देखते हैं सात से हो गया सात ताल झील। देव से हो गया देवताल झील ने से हो गया नैनीताल झील नौ से हो गया नौकचिया ताल झील। भीमकाय से हो गया भीम झील राक्षस से हो गया राक्षस ताल झील गो से हो गया गोहाना झील और खुर से हो गया खुरपा झील आप देखेंगे उत्तराखंड की झीलों में पीछे ताल आ रहा है जितनी भी झीलें हैं लगभग सारी के सारी में एक दो को छोड़ के ताल आ रहा है तो इसी से याद रख सकते हैं कि आपको उत्तराखंड की झीलों में ताल लगा मिलेगा और यह ट्रिक जो है आपकी काफी सहायता करेगी तो ट्रिक एक बार फिर देखते हैं सात देव ने नौ भीम का राक्षस को गोखुर से मारा सात देव ने नौ भीम का राक्षस को गोखुर से मारा अर्थात सात ताल देवताल नैनीताल नवकछिया ताल, ताल, ताल भीमताल राक्षस ताल गोहाना झील और खुर से हो गया खुरपाताल झील तो आइए अब अगला राज्य देखते हैं अगले राज्य की झीलें तो आइए आप दोस्तों कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण झीलें देखते हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये वो झीलें हैं जो कई बार एग्जाम्स में विभिन्न परीक्षाओं में रिपीट हो चुकी हैं और कई बार पूछी जा चुकी हैं तो आइए हमारी ट्रिक है च्यू पुत लोम लोम बक को हुआ ये हमारी ट्रिक है हमने इनको अलग अलग जोड़ों में बनाया हुआ है जैसे च्यू च्यू से हो गया चिल्का झील कहाँ पे है उड़ीसा में है पुलिकट झील कहाँ है तमिलनाडु में है लोम लोम से हो गया लोनार झील महाराष्ट्र में है अगले लोम से हो गया लोकटक झील मणिपुर में है और ये है बक बक जो है वहाँ से हो गया वेमनाड झील केरल में है यहाँ से होगा कोहुआ ये दो झीलें आंध्र प्रदेश की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसलिए हमने दो झीलें ली हैं कोहुआ कोलेरू झील और हुसैन सागर झील जीव, दोनों झीलें आंध्र प्रदेश आसे आंध्र प्रदेश में हैं तो हमारी ट्रेक है च्यू पुत लोम लोम बक कोहुआ च्यू च्यू से हो गया चिल्का झील उड़ीसा में है पुत से हो गया पुलिकट झील तमिलनाडु में है और लोम से हो गया लोनार झील महाराष्ट्र में है और अगले लोम से हो गया लोकटक झील मणिपुर में है बक से हो गया बेम्बना झील केरल में है और कोहुआ से हो गया कोलेरू झील और हुसैन सागर झील दोनों की दोनों झीलें आंध्र प्रदेश में हैं आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो चिल्का झील है जो उड़ीसा में है और भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है बुलर झील है बुलर लेक जो जम्मू कश्मीर में हमने अभी आपको पढ़ाई थी जम्मू कश्मीर में बुलर लेक ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है और हमने एक राजस्थान की झील बताई थी जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है लैंड लॉक्ड है सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड खारे पानी की झील जो है वो सावर झील है जो राजस्थान में है हमने आपको बताया था तो दोस्तों ये थी भारत की महत्वपूर्ण झीलें जो भारत के लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती हैं जहाँ भी जी के रहता है वहाँ पर इन झीलों का प्रश्न जरूर रहता है इसी प्रकार से आप भारत के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो तो सक्सेस बिस्टा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें सक्सेस बिस्टा चैनल की सारी की सारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद